से, और मेरा पार्लर जो है ये अल कॉलोनी खानापुर पे है, और मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रही हूँ मेकअप की, जदीद और नए तरीके की, जिसमें आप घर बैठे बच्चियाँ जो हैं हमारी वो सीख सकती हैं, और स्कूल गोइंग बच्चियाँ जो हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और प्रोटके मैं लेके आ रही हूँ, और आप हमारे साथ रहिएगा। और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 5 ईयर्स हो गए हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है जितना भी है आप सबके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपको पार्टी मेकअप सिखाऊँगी, वो भी स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो बच्चियाँ हैं उनके फेस पे, क्योंकि ऐसे बच्चियों के फेस पे हम बहुत लाइट मेकअप करते हैं, और पार्टी मेकअप जो होता है वो ज़रा हाई लेवल का होता है। और हमारे साथ फनक मॉडल हैं, और इन पे जो है मैं आज मेकअप आपको करना सिखाऊंगी। और सबसे पहले हम इनकी स्किन को जो है हमने प्रेप कर लिया है, इसको आपने रेस्ट देने के बाद स्किन को 5 मिनट्स रेस्ट दें, उसके बाद आप प्राइमर कोई सा भी अच्छा प्राइमर है वो लगा लें, ताकि आपके जो स्किन की पोर्स हैं वो बंद हो जाएं। कोई भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो उसको कम से कम 3 to 4 या 5 मिनट्स तक आप लास्ट में रेस्ट दें। अब इसको मैंने लगा दिया है, इसको 5 मिनट्स तक मैं रेस्ट दूंगी। अब हम आईज का मेकअप स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी आप कंसीलर लें। ब्यूटी ब्लेंडर लें, उसको आप हल्का हल्का साइज पे टैप, ब्राउन मेकअप जो है शेड आई शेडो जो है वो लगाऊंगी। इसके साथ ही हम इसके ऊपर जो है डार्क शेड जो है ब्राउन में वो इस तरह। और ब्लेंडिंग ब्रश लें, उसके साथ आपने इसको मर्ज करना है। आपके दाग हो या कोई भी ऐसा हो वहाँ पे आप कंसील कर लें, टैप टैप करके, ज़्यादा नहीं लगानी। इसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर लें, इसके साथ आपने टैप टैप करना है, रगड़ना नहीं है, बस टैप टैप करना है। फाउंडेशन के बाद मेरे पास ये लिक्विड जो है ब्लश है, इसको मैं इस तरह की लिक्विड जो ब्लशर है आप कभी भी पाउडर से पहले नहीं अप्लाई करेंगे फाउंडेशन पे,
पहले आप फाउंडेशन के बाद आप ये लिक्विड जो है वो अप्लाई कर लें, चाहे हैंड से कर लें चाहे आप इससे ब्रश से कर लें। क्योंकि पाउडर जो है वो आपकी बेस को लॉक कर देता है, जब तक आप लगाएंगे नहीं वो आपकी बेस जो है कभी भी लॉक नहीं होगी। कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें या लूज पाउडर लगा लें, ये आपके है। जितना हो सके पाउडर आप फेस पे लगाया करें, इससे कोई मसला नहीं होता। वो आप हाथ में इसको ब्रश के साथ झाड़ सकते हैं साइड पे, यानी कि कर्सर ऐसे ही आप कर सकते हैं इसे। जितना हो सके आप पाउडर, लूज पाउडर या कंपैक्ट पाउडर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, भर भर के लगाएं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आप इसको ब्रश के साथ बाद में जो है बैलेंस कर सकते हैं स्किन। अब हम कंटूरिंग ब्रश लेंगे और मेरे पास ये ब्राउन कलर का कलर है, तो इसको मैं आज कंटूरिंग आपको ज़रा चेंज करके बताऊँगी। यहाँ से आप लेंगे इसको राउंड में ले जाएंगे, इससे आपकी चेस जो है वो अच्छी लगेंगी। कंटूरिंग करके यहाँ पे आपने लॉक लगा देना है ताकि ये नाक जो है इनकी बारीक नजर आए। और अगर हम नीचे की तरफ ला देंगे तो वो जो है इनकी नाक जो है मोटी लगेगी, इसलिए कंटूरिंग को हम ऊपर ही इस तरह करेंगे। मैं इनके यहाँ पे चीक बोन पे हाईलाइट करूँगी। चूल्हे के ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दें और आईब्रो के ऊपर इस तरह कर दें, सेट कर दें इसको। आज का हमारा आपने बिफोर एंड आफ्टर देखा है,
और आज हमने जो प्रोग्राम किया था वो बच्चियों के लिए खास तौर पर किया था, जो स्कूल और कॉलेज की बच्चियां हैं उनके लिए। और आज का प्रोग्राम हमारा यही पे ख़त्म होता है, लेकिन नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह एक नए और जदीद टेक्निक के साथ मैं आपके साथ मेकअप और फेशियल्स और बहुत सी अच्छी अच्छी टेक्निक के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। और हमारे साथ रहिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। थैंक यू।